अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे व्यूवर्स और मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। क्योंकि वैसे भी मेरा ये पहला व्लॉग है, तो जाहिर सी बात है जो कि न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मेरी तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें और हमारा साथ दें ताकि हम इस तरह की नई नई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो स्टार्ट करें कुछ उर्दू नाल कुछ सराकी नाल मिक्स करके, क्योंकि सब तो मज़ा हूँ वाले यहाँ दे जरे वाले उर्दू तो सराकी को मिक्स किया वाले। तो स्टार्ट करें क्योंकि तो यही वीडियो बनाने का मकसद ही है कि अपने जो सराकी मेरा उन्हों की याद ताज़ा थी वजे तो जो नवे व्यूवर्स उस उन्हों की एंटरटेनमेंट थी वैसे, क्योंकि इस तरह की चीज़ हम बहुत ही कम रह गए तो देहात हूँ पक्के घर बढ़ गए तो झोंपने वाला वगैरह वो सिस्टम क्या नहीं रह गया। तो अलहमदुल्ला अज सारे को सिस्टम वे, क्योंकि देहात सिस्टम इवें खत्म नहीं थी सकता। हूँ तो नवा जदीद दौर आ गया, पहले तो सोच कोई दो घर होने जिन्होंने पक्के घर होने, तो 98% तकरीबन झोंपड़ियाँ वगैरह ये सारे को चल दिया। लेकिन हूँ क्योंकि नवा दौर आ गया तो हूँ दौर के मुताबिक लोगों ने अपने घर पक्के बढ़वा गए। तो ये साढ़े एक अपना हमसाय उन्होंने अज भी रिवायत बरकरार रखी हुई है। तो इतना मेरे को एक अपने यार फरीद का शहर याद आ गए, ख्वाजा गुलाम फरीद सराकी अदब के बहुत बड़े शहर हैं। तो उन्होंने इतना शहरो शहरी की है, उन्होंने आख्या है कि हम थी फरीदा शाद वाल मूंझा कुना कर आबाद वाल, ये झोंक थी सिन आबाद वाल, ये नहीं ना वसी एक मणी। तो ये फरीद का बहुत बड़ा सबक दिते उन्हें, क्योंकि ये जरा शहर है ये रिलेटेड है। लेकिन इन तक मैं थोड़ी जी तशरीह दसा देव, इन फरीद यह आता पे कि उम्मीद दमन कद ही नहीं छोड़ना, क्योंकि हर रात के बाद सवेर आते हूँ तो मैंने मकसद ही है कि उम्मीद दमन कद भी नहीं छोड़ना, बस लगे रहने। तो अलहमदुल्ला शेर को वैसे भी बड़ी हिम्मत मिलती है। तो अलहमदुल्ला साढ़े को देहात वैसे भी मेहनत पसंद लोग होने, इन बारे तो जो काम करें इन बारे तो तफसील दसा देव थोड़ी बहुत ही। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कच्चा मकान है, तो उसके ऊपर हम छत का इंतज़ाम मतलब मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू ची कुछ छत आखा वेंदे तो सारी सराकी ची कुछ छप्पर आखा वेंदे। तो इन जो तर सब कुछ दरिया की मण तो मतलब के काटा ने, तो बड़ी मुश्किल नाल इनको तैयार किया वे छत को, क्योंकि जो इन तार होने बहुत ज़्यादा ही सख्त होने, तो अगर बंदे को टच थी वन तो बंदा जख्मी थी वे, क्योंकि इन छत का बड़े कमाल इंतजाम होते। गर्मी च ठंडी थी वी है, सर्दियों च गर्म, तो अलहमदुल्ला इस छत से भी कोई छत नहीं मिल सकती। तो बी एंटरटेनमेंट की वीडियो की मज़ा ये कि इन देते पे सो कि मर्दा नाल बाल भी बिच शामिल। तो अलहमदुल्ला साढ़े इलाके की बहुत ही अच्छी रूटीन है कि जेंदे उत्ते ही कोई मुश्किल काम आ वे तो सारे एक बेटी हेल्प करें अलहमदुल्ला। इन हवाले नाल बाल भी बढ़ चढ़ थी सकते, क्योंकि उन्होंने इन एंटरटेनमेंट ही थी वेंदी है, काम ही थी वेंदे, तो इन्होंने कम च बाल ही अलहमदुल्ला पिछा कह नहीं आते, तो सारा पूरा पूरा साथ नहीं पेने। क्योंकि देहाती जिंदगी अगर पिछा नगाह दौड़ा ही वे तो पहले ले लोग जो होने वो बिना काम को अपना काम समझ के करें, तो रल मिल के काम करें। तो अजकल जो सिस्टम है अजकल सिस्टम बहुत ही कम रह गए, लेकिन अलहमदुल्ला सारे देहात ये रिवायत अज बरकरार है, मतलब कि मुकम्मल हद तक तो ख़त्म किया नहीं थी। तो कुछ हद तक अजा सारे को सिस्टम है कि जेंदा ही कि मुश्किल काम आ वे तो रिश्तेदार हमसाए
अपनी तरफ पूरी पूरी मदद करवे ने। तो इंदे विच इं वीडियो च मजे की गल है कि इंदा जरा मेन काम है छत वाला है, मतलब छत सुडे ते पियो सो कि दो बंदे उते खड़न थे। तो ये वीडियो मेरे हेल्पर ने बढ़ाई है। तो साकू बहु एक इंपोर्टेंट काम सौंपया गया है। तो छत ते कोई ना वेना आई, क्योंकि उन्होंने को पता है कि सब तो मुश्किल काम जरा उन्हें छत वाला उन्हें उते छत खड़ना पौना। तो उत्थां कर थोड़ा जहा टेंशन यह होंगी कि उत्थां कर बंदा तले ठह सकते। तो अपना जरा रिश्तेदार ही उन्हें मेरा इंतखाब किया खुद का, तो उन्हें उत्थां कर थोड़ा जहा फन ही बढ़ाया चा कि तू यार सा कुछ थोड़ा जहा मतलब फैंसी लगता पी, तो तू खड़ छत दे ते अस तले खड़ दे, क्योंकि हूँ वाले उन्हें हो जाए भी आऊँगा कोई आखे तो शायद ना बन जा। तो मैं आखी नहीं यार ये मुस्कुराहट को बरकरार रखने, तो इं काम को बहुत अच्छे तरीके अंजाम देने। तो बाकी पहले तो पता है कि उत्ते मुश्किल होती है, लेकिन जब मैं उत्ते खड़ा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इं काम च सब तो मेन मदद अल्लाह तला की खुद की मदद ही है। जहरी गल है हर काम च अल्लाह की मदद होती है, उनकी मदद बगैर काम नहीं थी सकते। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करो तो बहुत ज़्यादा मदद मिलसी। तो बालों का भी अपना जज्बा है, तो क्योंकि तुम देते पे हो सो कि बाल बार बार वीडियो आवेन, तो उन्हें को जहरी गल उन्हें को शौक है कि सारी वीडियो में बढ़े। हालांकि तो आपको पता हो सी कि यह जो मुश्किल है भी कमां वास्ते जहरी गल है, अजकल बंदे मशीन सड़वा गए, लेकिन कुछ ये जे कम होने जेरे के मशीन के नाल ही नहीं थी सकते। तो उन्हें वास्ते अपने रिश्तेदार हमसाए वगैरह ये मिलजुल के इकट्ठे करन ताई थींदे। ते अल्हम्दुलिल्लाह साकू खुशी है कि साडे देहातें च बहुत ही अच्छा निज़ाम है, इत्थां भाई भाई दा साथ दिंदे, ते बहुत ही अच्छा तर्ज जिंदगी इत्थां। ते माशाल्लाह देहातां जिहड़ियां खूबसूरतियां नूं अपने लिहाज नाल तस्कर जी, क्योंकि तुसां देखदे हो सो जिहड़े देहातां दी मतलब कि दोस्ती होंदी दूर दूर तक शहरां तक, मतलब जिहड़े यार दोस्त होंदे तो वो चाहन कि असं तुहाडे देहात विजिट करूँ। तो उन्हें जी मेन अट्रैक्शन हुई है खूबसूरती है जी कि देहात का हुसन बरकरार रखी खड़ी है, क्योंकि हूँ ये चीज़ें देहात मूँ कम मिल जाए पे, लेकिन मैं कि चलो कुछ लोगों की याद ताज़ा की वजे तो इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट ही थी वैसे। तो ये मेरा अज का पहला विलॉग ही, तो इंशाल्लाह अगर भी तो बहुत अच्छे अच्छे विलाग पेश करे सो, तो अपनी वीडियो इंटरटेनमेंट करवे सो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।